मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आधुनिक तकनीक के उपयोग से जन शिकायतों को त्वरित एवं समयबद्ध आधार पर समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य ध्येय जन सेवा और सरकार द्वारा लोगों की समस्याओं, शिकायतों और विभिन्न मुद्दों का शीघ्रता और समयबद्ध आधार पर समाधान करना है। उन्होंने कहा कि वह स्वयं इस हेल्पलाइन और जनमंच के कार्यों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हेल्पलाइन सरकार के जनमंच के प्रयासों को और भी अधिक प्रभावशाली बनाने में मददगार साबित होगी। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 का शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही समस्याओं के समाधान के लिए जनमंच शुरू किया है, जिसके माध्यम से अब तक 35,000 से अधिक शिकायतों का निवारण किया जा चुका है। अब राज्य सरकार ने एक और पहल करके इस हेल्पलाइन को शुरू किया है, ताकि लोगों को शिकायतों के समाधान के लिए अब जनमंच में भी ना जाना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अन्य 3 राज्यों में चल रही हेल्पलाइन की श्रेष्ठ तकनीक को अपनाया है, ताकि यह हेल्पलाइन पूरे देश में श्रेष्ठ साबित हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासी अब दूरभाष के माध्यम से घर बैठे अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं और अपनी शिकायतों के निवारण की प्रगति को ऑनलाइन भी देख सकते हैं। उन्होंने जानकारी दी कि 56 विभागों को जियो मैपिंग और जियो टैगिंग द्वारा इस हेल्पलाइन से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे सरकारी कार्यों की प्रक्रिया पेपरलेस हो जाएगी और लोगों को अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इस हेल्पलाइन से जुड़े सभी स्तर से विनम्र एवं संवेदनशील होने चाहिए, ताकि वे शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को आसानी से दर्ज कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1100 हेल्पलाइन नंबर को पूरे प्रदेश में प्रचारित किया जाएगा, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस नंबर से परिचित हो सके और इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। उन्होंने सभी मंत्रियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य पदाधिकारियों से आग्रह किया कि वे मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 का भरपूर प्रचार करें। उन्होंने कहा कि यह हेल्पलाइन सप्ताह के 6 दिन प्रातः 7 बजे से सायं 10 बजे तक कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को पूरा राष्ट्र 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मना रहा है। उन्होंने कहा कि सेवा सप्ताह के अवसर पर यह हेल्पलाइन राज्य के लोगों के लिए एक उपहार है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन कल है और ये सेवा सप्ताह के रूप में हम पूरे देश भर में मना रहे हैं। सेवा सप्ताह के रूप में जहां पूरे देश भर में सेवा के काम जो भी व्यक्ति जिस रूप में कर सकता है, अब केक काट के जन्मदिन मनाने की परंपरा में बहुत विश्वास नहीं है। अगर जन्मदिन है तो सेवा के रूप में हम क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? कोई रक्तदान कर रहा है, कोई स्वच्छता के अभियान में जुट करके काम कर रहा है, कुछ लोग सामाजिक जो जितने हमारे इश्यूज हैं उन पर अपने माध्यम से काम कर रहे हैं। लेकिन सेवा के इस संकल्प में सेवा सप्ताह जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो चल रहा है, तो हमने कहा कि हम आज से शुरू 1 दिन पहले की शुरुआत करेंगे और सही मायने मैं समझता हूं कि सेवा का कार्य, पुण्य का कार्य ये हो रहा है जहां आदमी को घर बैठे उसकी समस्या का समाधान हम करने में अगर सफल होंगे, उससे बड़ी कोई दूसरी सेवा नहीं हो सकती। जो शुरुआत आज हमने जन्मदिन पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, वो आगे और ज्यादा यशस्वी होकर के काम करें, स्वस्थ रहें और देश की आवश्यकता है कि मजबूत नेतृत्व की, वो मजबूत नेतृत्व की कमी पूरी की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रूप में मैं आज के अवसर पर प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।